हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मॉम्स बेबी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों को एसी या कूलर में सुलाना सेफ है या नहीं। तो आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। चैनल को लाइक, अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आपके पास सभी वीडियोज़ के टाइमली नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि हम अपने छोटे बेबी को एसी या कूलर में सुला सकते हैं, उनके लिए सेफ है या नहीं। तो आपको वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको पहले ही नो टेंशन कर देती हूँ कि आप अपने छोटे बेबी को जो है वो एसी और कूलर में इजी सुला सकते हैं, इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। बट आपको उसके लिए कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होगा जिनको आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि हमें अपने रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना सेट करना है, उसके लिए एसी जो है हमें कितने टेम्परेचर पे सेट करना चाहिए जो कि हमारी बेबी के लिए बिल्कुल सेफ है। तो आप अपने रूम के एसी का टेम्परेचर 23-25 डिग्री के बीच में ही सेट कीजिए। क्या होता है कि नॉर्मली जब हम अपने लिए एसी चलाते हैं तो हम 18 डिग्री पे जो होता है वो टेम्परेचर सेट करते हैं बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बट हमारे छोटे बेबीज़ के लिए या न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको रूम का टेम्परेचर 23-25 डिग्री के बीच में ही सेट करना है। इससे कम अगर कई सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो आप 1 या 2 डिग्री कम कर सकते हैं, बट 18 डिग्री जो अगर आप करेंगे तो वो आपके बच्चे के लिए हार्मफुल है, उससे बच्चे को फीवर कोल्ड हो सकता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है, अगर हम अपने बेबी को एसी या कूलर में सुला रहे हैं तो हमें उसे कैसे क्लोथ्स पहनाने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने बच्चे को एसी या कूलर में सुलाते हैं तो आप उसको बिल्कुल फुल स्लीव्स के ही कपड़े पहनाएं। अगर आपका बच्चा बिल्कुल न्यू बोर्न है तो आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑनसीज आ रहे हैं, रोम्पर्स आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को ऑनसीज एंड रोम्पर्स ही पहनाएं बिकॉज वो फुल ऊपर से लेकर नीचे तक लेग्स तक फूट्स तक बच्चे के कवर होता है, तो फूट तक बच्चे को जो है वो बिल्कुल भी हवा लगने का डर नहीं रहता बिकॉज बच्चे को सिर्फ ठंडा लग, ये नहीं है कि उसको ठंड चढ़े। अगर आप भी इसी में सोते हैं तो आपको ठंड लगती है तो आप ब्लैंकेट या कुछ भी लेते हैं तो आप ऐसा रूम का टेम्परेचर रखें कि आपको गर्मी लगे, मींस कि आपको ब्लैंकेट या कोई भी शीट लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो अपने बच्चों को आप जो है फुल स्लीव्स के कपड़े पहना। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि जब हम अपने बच्चे को रूम से बाहर लेकर आते हैं तो उस टाइम पे जो है हमारा टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है बच्चे के लिए, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को रूम से बाहर लेकर आ रहे हैं तो उस टाइम पे आपको बाहर आने से पहले ही 10 से 15 मिनट पहले आप अपने रूम का एसी जो है वो बिल्कुल बंद कर दें ताकि बच्चे का जो रूम टेम्परेचर और आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल सेम हो, नॉर्मल हो। उसको ये नहीं है कि अंदर इतना ठंडा और बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्म सरद नहीं होना चाहिए। अगर उसको गर्म सरद हो जाता है तो वो कोल्ड या फीवर का शिकार हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप पहले ही 15-20-25 मिनट पहले ही कमरे का एसी बंद कर दें, डोर ओपन कर दें, जिससे कि रूम का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बाहर की तरह ही हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम ये बात करने जा रहे हैं कि जब आप अपने बच्चे को मार्केट लेकर जा रहे हैं, मतलब घर से बाहर लेकर जा रहे हैं, तो घर में इतनी गर्मी नहीं होती, बाहर धूप होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अगर आपका बेबी गाड़ी में जा रहा है तो आप गाड़ी में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, आपको उसके डोर्स पहले ही ओपन करवा देने हैं, उसमें एसी चलवा, जो गाड़ी के अंदर की ह्यूमिडिटी है वो सारी बाहर आ जाए और गाड़ी में आप आराम से अपने बेबी को लेके जा सको। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि जब आप मार्केट पहुँच जाते हो तो आपको मार्केट में जब गाड़ी से निकलना है तो आपको एसी जो है वो 5-10 मिनट पहले ही गाड़ी का
बंद कर देना है, जिससे कि अगर बच्चा जब बाहर उतरेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसको बिल्कुल भी जो है वो गर्म सर्द नहीं होगा। तो आपको इस बात का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि कई बार जो होते हैं कि हम एसी को अफोर्ड नहीं कर पाते, हमारे घर में क्या है कूलर ही होता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, कूलर के लिए जो हमें है कि अपने घर की जो विंडोज़ होती हैं उन्हें ओपन कर देना है, जिससे कि जो अंदर की ह्यूमिडिटी है वो सारी बाहर चली जाए और हमारे रूम का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल अच्छा हो जाए। कूलर के एक और पॉइंट आ जाता है कि जब हम कूलर चलाते हैं तो हमें कूलर का जो फ़ैन होता है उसे हमें हाई स्पीड पे नहीं करना, बिल्कुल ही मीडियम स्पीड पे रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप अपने बेबी को नहला के लाते हैं तो आपको उसको इमीडिएटली पंखे के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा उसके लिए हार्मफुल है। आप बच्चा बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। आप उसको 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल नॉर्मल रखें, बिल्कुल भी फ़ैन आपको चलाना नहीं है। तो आप उसको बिल्कुल जब आते हैं नहलाकर लाते हैं तो उसको आराम से कपड़े वपड़े पहनाकर उसको 10-15 मिनट तक नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, उसके बाद आप कूलर एसी जो भी चलाना है चला सकते हैं। तो ये पॉइंट्स थे कि हम अपने बेबी को एसी या कूलर में कैसे सेफ रख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।